जगहों पर भी हमें गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गर्गेश्वरी के स्कूलों में जाकर बड़ी खुशी होती है, और खास तौर पर यहाँ ये स्कूल में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादरी ज़बान हमें अपनी सकाफत, तारीख और विरासत से वाबस्तगी का एहसास देती है। इसी ज़बान से हमें पहला इल्म सिखाया जाता है, और इसके ज़रिए हम अपनी फिक्रियत को परवरिश देते हैं। मादरी ज़बान हमें हमारे ख्यालात, जज्बात और तजुर्बात को बयान करने का ज़रिया है और फराहम करती है। मादरी ज़बान की के इस्तेमाल से हम अपने दिल की गहराइयों में बात करते हैं। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह मुल्क के लिए और कई बैरून ममालिक में भी उर्दू ज़बान चलती है माशाल्लाह, तो उनके लिए एक समझे आप एक हमारी ये स्कूल आइडियल है माशाल्लाह। हमारे यहाँ के टीचर्स आइडियल हैं, बच्चे आइडियल्स हैं। देखें आप ये सारी चीज़ें उर्दू के ज़रिए से माशाल्लाह ये ऊपर सभी जितने हमारे राहत इंदौरी साहब हैं माशाल्लाह, मशहूर शायर अदीब हैं शमसुर रहमान फारूकी, मौलाना अल्ताफ हुसैन साहब, ये जो स्कूल है ये हमारी गर्गेश्वरी की गर्ल्स उर्दू स्कूल माशाल्लाह। और ज़बरदस्त यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, और माशाल्लाह हमारे वो दिन याद आ गए जो हमें स्कूल में उर्दू स्कूल में पढ़ते थे। हमें बहुत शुक्रिया अदा करती हमारे यहाँ के टीचर्स का जो हमें मौका दिए यहाँ को हमें रहा देखने को देखिए। बल्कि बहुत दिनों से बल्कि बहुत सालों से तमन्ना थी आना यहाँ को देखना, स्कूल के हालात कैसे हैं क्या नहीं। बहुत सारी स्कूल हैं हमें पता नहीं कैसे कैसे जगहों पर भी हमें गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गर्गेश्वरी के स्कूलों में जाकर बड़ी खुशी होती है, और ख़ास तौर पर यहाँ ये स्कूल में आए तो ये उर्दू के एतबार से ख़ास तौर पर माशाल्लाह इंग्लिश भी है, कन्नड़ा भी है, दूसरी भी चीज़ें हैं, लेकिन उर्दू चूँकि हमारी मादरी ज़बान है उसमें जो उबूर यहाँ बच्चों को दिया गया है इन सारी चीज़ों के ज़रिए से मालूम होता है माशाल्लाह। उर्दू से मोहब्बत है यहाँ के टीचर्स को, और बच्चों के अंदर भी वो मोहब्बत ये मुंतकिल करना चाहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इस स्कूल को तरक्की अता फरमाए। आप लोगों भी क्या तो बोलना है, पैगाम देना है तो दे सकते, किसी को भी क्या भी पैगाम लोगों को। आपकी आमद पे हजरत की और आप तमाम टीम की मैं शुक्रगुजार हूं, और उर्दू अदब की जितनी तारीफ हो रही है समझने वाले भी रहना, उर्दू को और उर्दू की गहराइयों को समझने वाले भी रहना, तो हमारी मेहनत को एक उसका एक सनद मिला हजरत की तरफ से, इसलिए स्कूल में आपकी स्कूल का आप कब जमा रही क्या कर रही वो भी आप आपके बोल सकते हैं। कब से शुरुआत करते हैं और ज्यादातर जाकर हमारे स्कूल को जमाई, क्योंकि यहाँ पर उर्दू का माहौल है और उर्दू से रब्बत है ना, हमारे दिन इस्लाम से रब्बत के हिस्सा, तो उर्दू के ऊपर ज्यादातर, और यहाँ पर इंग्लिश, कन्नड़ा और दीगर तमाम मजामीन इल्मे रियाजी और सही समाजी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में है तो बच्चों का मेंटल लेवल भी अच्छा होता है, ग्रोथ होता है। मादरी ज़ुबान में वो समझते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, तो बच्चों की दिमागी परवरिश भी अच्छी होती है और ज़हन भी होती है। उर्दू आने के बाद ही मैथ, साइंस, सोशल ये दोनों भी आता है। मादरी ज़ुबान से जो हमने जो समझती हमें जो हमारे बच्चे समझते हैं, तो दूसरी ज़बान से मुश्किल होता समझने के वास्ते, लेकिन हालांकि कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों भी बहुत ज़रूरी, तो कर्नाटका में कन्नड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो मादरी ज़ुबान में हमें जो ज़ुबान हमें हासिल करती हैं, तो उसमें जो भी एक साइंस का तजुर्बा करो क्या भी करना हो तो इंग्लिश से ज़्यादा हमें उर्दू में समझाए, तो बच्चे को क्या होता है उर्दू में अच्छे से अच्छा समझ को, उसके बाद उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है और कन्नड़ा में ट्रांसलेट करने की सलाहियत आ जाती है उसमें।
तो फर्स्ट में ज़्यादा जोर उर्दू को देते हूँ। तो हमारे मदरसे को दाखिला लेने के वास्ते और ज़रा बहुत से हमारे गिरगेश्वरी के लोगों को तुम यहाँ पे जा जा के कहो कि हमारे मदरसे में दाखिला दिलाए। देखो उसमें बहुत सारी बातों में से एक बात ये ख्याल में ही, जितनी हमारी हिस्ट्री है हमारे मुल्क की हिस्ट्री है, हमारे मजहब की हिस्ट्री है, माशाल्लाह अक्सर इसमें आपको किताबें उर्दू ही में मिलेंगी। अगर आप उर्दू नहीं सीखे तो फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। और हमारा सारा जितना भी हमारा ये है उसके वास्ते कम से कम क्या करना, उर्दू सीख लेना। और उर्दू और अरबी में थोड़ा सा फर्क है, उर्दू जो सीख लेती है वो अरबी खुद ब खुद सीख लेती माशाल्लाह। इसलिए माशाल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ आकर, जबरदस्त है पूरा माहौल। आकर देखे, विजिट करें लोग, जब इजाजत दे पहले, ऐसा नहीं कब मिले तब खुशबो आगे हमें इजाजत लेना सेल्फी कर लो। अच्छा।